अपना सामान पैक कर लिया। दीदी मैं जा रही हूँ, चलो स्कूटी छोड़ के। ठीक है मम्मी मैं चल रही हूँ, ना रोकियो मिन्नू, हम दोनों जा रहे हैं। लेके जाओ मेरे को अपना पेंट दिखाओ गाँव। हाँ बोलो मैं आजाद हूँ। अच्छा लग रहा है अंचल को, बहुत अच्छा। दो जने हो ना अंचल, फिर बंदा घूमता फिरता है ना। अच्छा। जैसे अब दीपू ना भी तो हर काम के लिए हम दीपू को नहीं बोल सकते, आराम से निकले स्कूटी लेके, बस दीपू को भी टेंशन आ गई। और आपको ऐसे ही ब्लॉग्स मिलेंगे, जा सकते हैं। हम बस पास में ही जा रहे थे हम बस। वहाँ पे घूम रहे हैं, जब से मैं पटना से आई हूँ पहली बार हम घूमे, इतना मजा आ रहा है। मम्मी बोल रहे हैं जाओ घूम के आओ जल्दी से, ये नहीं बोल रहे कि काम करो, घूम के आओ फिर घर जाके हम पियेंगे चाय। चाय नहीं कॉफी बोला मम्मा ने, कॉफी। हाँ मैं बनाऊंगी घर जाके, अभी थोड़ा आगे घुमा के लाती हूँ फिर चलते हैं वापस घर। ठीक है चल रुक रुक। वीडियो कॉल पे हैं प्रिया, मैं और अंचल हम घूम रहे हैं। प्रिया मम्मी बोलते हैं जाओ घूम आओ जाके। दोनों जने किनुआ बना रही है प्रिया दीदी। दीदी हम ले लिए भी भेज देना, नहीं तो हम भी पटना बिहार में आ जाएंगे। मम्मा है मलाई, इतना क्या बनना? हाँ इससे मक्के पटना आवाज से दोनों क्यों मेरी मक्की भी रोटी लगाते रिश्तेदारां गुड़ के पाना, मतलब मीठा ये चक्कर ता रोटी चोपड़ के देनी है ना, मछली वो एक डब्बा हलम मतलब मुक गया, मतलब होर भी था एक डब्बा ऐदी पिया वन तक कहां है ये नहीं। हाँ छुपा छुपा के रखते हैं मम्मा, इस घी को कोई नहीं खा रहा, मैंने अंजलि के रखा है। कई बार कोई ऐसा का होता कि धूप पाना पड़ जाता, तो कुछ करना था जो सुची चीज है वो सुची है लाया गया अंदर, इन्हों कहते सुगर सुवानी जी चीजा अंदर रख दी स्टॉक रख दी, कोई आए गए वास्ते कोई ना जान वास्ते कोई तैयार हो गया चीज चीज ना आवे घर च फटाफट अंदर तक कभी बात नहीं, स्टॉक चीज रखनी चाहिए चाहे कुछ भी है। अंजल ने बीट कर दी कॉफी और मम्मी बीट कर रहे घी, सास बहू की बीटिंग 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 लगी हुई है। नहीं निकाल निकाल लेंगे निकाल लेंगे, बटर तो बस हो गया तैयार, गर्म पानी पाया ना। क्या क्यों निकालना, मैं मलाई खा लेनी कहीं। आज अंचल से ना स्पेशल एक आंटी थे, वो पता मेरे को कब मिले थे, जब हम शॉपिंग कर रहे थे ना शादी की तब मिले थे, तो वो कहते प्रीति, मैंने कहा आंटी, मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं, कहते हम जो तुम शादी की शॉपिंग करी तब मिले थे, तो वो स्पेशल अंचल से मिलने आए। और अंचल को जो भी मिलता है, अंचल को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अंचल को बहुत प्यार मिला सच में ना, अंचल तुम ससुराल में। ये तो है, सब बोलते कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, ये तो सब पूछेंगे अभी, आप लोग भी पूछना कहाँ से लाए, बटाला से लाए। हम लाए पंजाब से, मम्मी भी पंजाब से, बहू भी पंजाब से है ना, सास वो दोनों पंजाब से है। अब फटाफट से हम धो, थोड़ा 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 काम पड़ा ना हमारा, कपड़े उठा के रख रहे हैं मम्मी को, दीदी कपड़े उठा के रखेंगे, मैं कपड़े डालूंगी, डाल देंगे हम फटाफट। दीदी काम नहीं खत्म होता घर का, काम अभी हमने किया ही नहीं, लेकिन हम बीच में टाइम निकाल के रोज घूमी घूमी करेंगे। पर हमने आज तो कुछ किया ही नहीं काम, आज हमारा बाहर गए लग गया फिर आके काम हो ही नहीं। हाँ अभी तो सब्जी भी नहीं बनाई हमने, अभी हम आए हैं छत पे, कांचन पीछे दरिया कितना सुंदर दिख रहा है ना, एकदम अच्छा सा लग रहा है देखने में ना, वो धीरे 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 ऐसे ऐसे वेव्स आ रहे हैं। हाँ दिख रही है ना तुमको, सनसेट जल्दी होती जल्दी हो, वो देखो। हाँ कितना आंसर अच्छा लग रहा है सनसेट ना, बहुत। अरे यार आधा आधा दिख रहा है। हाँ ऑरेंज एकदम ऑरेंज नहीं रेड जैसा ना, रेड रेड जैसी शेड है इसकी। हाँ तो क्या दिखाने जा रही है आज, जो मैंने शॉपिंग की थी आपके साथ पटियाला में, वो
लेकिन वो मैं अभी रूम डेकोर नहीं करूंगी, अभी मैं सिर्फ दिखाऊंगी क्योंकि मेरे को करके ही जाना है। फिर सब लोग आइडिया चाहती है कि सब लोग बताएं कि वो सामान को कैसे कैसे डेकोर करें। हाँ, है ना? इतना नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा लिया, जो जो बेसिक नीड्स थी वो वाला। तुम्हारा बहुत वेलकम है ऊपर। थैंक यू दी। लेकिन आज हम दोनों तो कमरे में आई हूँ। हाँ आपके पीछे भी इस कमरे में आई हूँ। तुम हम किसी दिन ऊपर सोएंगे सब। ठीक है जी, क्या क्या लेके आया आंचल? हमें दिखाएगी अपनी शॉपिंग। एक ये कुशन है। कैच करना था यार। दो। ए, हाँ। दो कुशन। एक कवर है आंचल। ये इसके साथ कवर है। कहाँ है? चीज भी कर सकते हो, मतलब ये ऐसी है, जिप लगी हुई है इसमें। दिखाना। ये जिप लगी हुई है सच में? हाँ, मैंने पूछ के लिया ये अंदर से। अच्छा हाँ, इसके ऊपर कोई भी कवर आप ले सकते हो। ये मैंने लिया क्योंकि मेरे बेड का कलर भी ग्रे है, तो मैंने ग्रे लिया। और ये वाले मैंने पिल्लो लिए थे, दिखाती हूँ खोल के। ये तो खोल के दिखाना बंद। कौन से? टू पीस स्पेक्ट्रा प्लस मेमोरी फोम पिल्लो, क्योंकि हमारी बहुरानी बहुत थक जाती है तो उसको चाहिए मेमोरी फोम वाले पिल्लो। मजाक कर रही हूँ, बट अच्छे रहते हैं ये ना। मेरे को ऐसे होता है कि वो ज्यादा कितने अच्छे लग रहे। तो ये देखो ऐसे नीचे गिराएंगे। दीपोरे का आंसर वाले पिल्लो लेके। हाँ ये देखना, दोनों है ना? हाँ ये ठीक है, दो है। अच्छे हैं ये वाला। ये सारा सामान लिया है हमने होम सेंटर से। और ये वाले एक ये था ना बेड के आगे बिछाने वाले। हाँ ये भी अच्छा है चल। ये वाला और इसके साथ। हाँ ये लॉन्ग में वो शॉर्ट में। हाँ ये भी ग्रे जैसा ना। हाँ ग्रे के साथ। हाँ अच्छा लगेगा चल। सब सारा सामान रूम में रखेंगे तो रूम बहुत सुंदर दिखेगा आपका। और साथ में ली थोड़ी ग्रेश टच में है ये वाली बेडशीट। हाँ अभी ऐसे खोल के नहीं दिखाऊंगी। नहीं ऐसे बाहर से दिखा दो। ये है ऐसी। और इसके साथ ये कितना अच्छा लगेगा। हाँ और पूरा रूम डेकोर करेंगे फिर मैं फिर हम दोनों उसका रूम में फिर हम दोनों बैठ के वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगेगा। और ये कर्टन कितने? ये एक है दो है? इसमें दो है, एक लगाना जो बाथरूम वाली साइड नहीं है। हाँ वहाँ पे सामने। हाँ और दूसरा पहले मैं लाइट कलर लेने लगी थी। वो लाइट पता क्या है कि जब रात को अंधेरा होता है ना तो वो लाइट में क्या आर पार दिख सकता है, मतलब इसमें लाइट कलर था दूसरे। फिर मैंने ये वाला किया, मैंने कहा कल को अगर मेरे को चेंज करना होगा तो ये मैं जो बाहर वाला एरिया ना उस पर लगा दूंगी या कहीं और देख लेंगे। फिर एक कैमरा क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? तुम्हारा मुंह बहुत पास हो गया था, अब ठीक है। हाँ, तो मैंने सोचा ये फिर चेंज कर लूंगी, अभी के लिए ये लगा लेती हूँ। हाँ। आई थिंक ग्रे के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा इसका, जैसे ये। बाकी आप लोग बताना कि कैसा ये लगेगा। अच्छी लगेंगी कर्टन। नहीं, बट कर्टन का कलर अच्छा है, बिल्कुल लाइट लाइट सा है। हाँ, रूम डेकोर करूंगी ना उसके साथ ये लगाऊंगी बेडशीट, तो फिर आपको दिखाऊंगी। और हमारा गद्दा भी आ गया है, वो भी लगाएंगे। हाँ उसके साथ। बट पिल्लो अच्छे आंसले वाले ना, मेमोरी फोम वाले। ये भी रख लेना दूसरे पिल्लो भी। मेरे पास ऐसा है शायद एक पिलो नीचे शायद। हाँ हाँ एक है। मैं हम पहली पहले लेके आए थे हम स्लीप वेल के दो पिलो। ये है मेरा आज का शॉपिंग वाला सामान। इतना ही था बट बाकी भी सामान था। फिर हम लोगों को लगे धीरे धीरे सब चूज करेंगे। कुशन अच्छे हैं क्योंकि कुशन इतना ऊपर बेड पे नीचे। क्या बना रहे हैं अंजू? आलू मटर। आलू मटर क्या क्या डाल दिया इसमें? क्या क्या डाली? कसूरी मेथी क्या आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से हो गया, लेकिन वो बोले थोड़ा तेल छड़ेगा तेल छोड़ेगा तो बन जाएगी। फिर उसके अंदर हम आलू मटर डाल देंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। पूछते हैं सबको खुशबू आ रही कि नहीं। मम्मा बताओ खुशबू आ रही है? हाँ जी दी। इसमें हमने क्या क्या डाला दी? हरा धनिया, प्याज, गाजर, हरी मिर्ची नहीं डाली हमने, और नमक। ठीक है ठीक है, काली मिर्च डाल लेते हैं। सुबह से ना कर ही रहे, कुछ ना कुछ कर ही रहे ना, बट अच्छा भी लग रहा है ना, फ्री नहीं बैठे। तुमको भी लग रहा है? दूसरी होगी ये दूसरी बार। तुम्हें टोकरी का तो लगे बार मैं फ्रूट माने हो गए गाजरा खीरा कट नीचे चिपक क्यों रहा है? मतलब और उधर मेरी आलू मटर की सब्जी भी बन गई। घी लग रहा है, दरवाजे में घी लगाते नहीं है। हाँ। हाँ। दीदी मेरे को मोटा कर दोगे आप?
तो आंचल हमारे घर में एक नया बच्चा आया था, उसके लिए घी लगा सकते हैं। बट अभी अभी फिर उसके बाद तुम्हें बिना घी के अच्छा लगने लग जा रहा है। हाँ अभी भी लगेगा क्योंकि साथ में दही भी दे रहे हो ना। वेट ही नहीं गेन होगा तुम्हारा बिल्कुल भी। अगर बिना घी के खाते तो, हाँ, तो सुबह सुबह खाया करेंगे। हाँ। फिर मैं आपको पोहा बनाया दिया करूंगी। अब मेरे को पता लग गया कि आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी थिक रखी है, है ना, चिपकता है। धन्यवाद। एक में लगा दिया, पहले मैं देखती हूँ कैसा बना है। अब क्या पता तुमको कैसा लगे आंसर। फटाफट कर दे, नहीं फटाफट हो जाएगा ना। कोई आवाज नहीं आई। टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा बनाते हो आंसर? हाँ, हमारी इतनी थिक नहीं होती तो वो ना चिपकता बहुत। हाँ, और टूट जाता है। टेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा मैंने श्रीनगर में खाया था। सच में बोले वैसा बोले सच्ची में। और इसके ऊपर कुछ सॉस लगाई थी, पता नहीं कौन सी थी वो। वो तो कुछ भी, अगर कैसे मर्जी कुछ किसी के साथ भी खा लो उसको, बहुत यम्मी है। जैसा मेरी लोग तारीफ करते वैसा है। अब खा लो। हो पर मैं तो खाती रहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में टेस्टी है। और इसमें हरी मिर्च डाल तो और भी टेस्ट आता है। डाल दो हरी मिर्च अगले वाले में। हाँ अगले वाले में डाल। बोला आपने बेसन डाल के मैंने आटा गूंथ दिया। ये बेसन और क्या डाले इसमें? बेसन और गेहूं का आटा। वैसे हम गेहूं का आटा कम डाला करेंगे या फिर दूसरी रोटी खाया करें, बट फिलहाल तो यही खाते हैं। बेसन डाल दिया, शुगर के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। ओके जी, अभी आप साइड पे हो जाओ, आपने बहुत काम कर लिया, अब मैं रोटी बना के खिलाऊंगी आपको। ठीक है। आंचल ने डाला है सासू माँ के लिए खाना, मैं मम्मी को खाना देने जा रही हूँ। आंचल ये बना रही है और आंचल को मैंने खिलाया चीला, जो इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। ये फूल नहीं रहे थी। ये इतने नहीं फूलते आंचल, बट ये है बहुत हेल्दी है खाने के लिए। फूल गया, फूल गया, फूल गया, फूल गया। फूल गया।